बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सुमल खान प्रेजेंटिंग माय 23rd लेक्चर ऑफ क्लास 4th फ्रॉम न्यू ऑक्सफोर्ड सोशल स्टडीज़ यूनिट नंबर 1 जियोग्राफी, टॉपिक द लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान प्लस प्रोविंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया वर्कशीट्स। हियर इज़ योर बुक टाइटल पेज। अगेन वी हैव वर्कशीट्स, ठीक है, और आपको नोटबुक्स पर ही करनी है। एज़ यू हैव ऑल नो द पैटर्न्स को मस्ट फॉलो करना है आपने। फिल इन द ब्लैंक्स है आपके पास, ऊपर हेडिंग देंगे वर्कशीट की, प्रोविंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, देन फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ पंजाब। पंजाब की कैपिटल सिटी कौन सी है? लाहौर है हमारी, ठीक है। ये पंजाब के कॉलम में हमने पढ़ा था, पंजाब सिंध बलोचिस्तान हमने प्रोविंसेस पढ़े थे ना, उसमें आइए। पंजाब इज़ द कॉल्ड लैंड ऑफ द रिवर्स। पंजाब को रिवर्स, लैंड ऑफ रिवर्स कहा जाता है। मैंगोज़ एंड ऑरेंजेस ग्रोन ऑन लार्ज स्केल इन पंजाब। क्या मैंगोज़ और ऑरेंजेस बहुत बड़े स्केल पर बनाए जाते हैं पंजाब में? फाटा स्टैंड्स फॉर, फाटा की फुल फॉर्म क्या है? फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज। पाकिस्तान हैज़ 5 प्रोविंसेस। आपके पास 4 प्रोविंसेस आप पढ़ते हो, बट वी हैव 5 प्रोविंसेस, ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा और टेरिटरी में आ गया है, लेकिन वो भी हमारा प्रोविंस कहलाता है। ओके, एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल आ गया हमारे पास। ओके, लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान। लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान में हमारे पास अगेन क्वेश्चन आंसर्स आ गए कुछ। नेम द सी विच इज टू साउथ ऑफ पाकिस्तान, ये अगेन आ गया है क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। अरेबियन सी आई हैव मैंशनड हियर, आपको लिखने की ज़रूरत ये वाली नहीं है, बाकी आप लिख सकते हो। नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, द रिवर इंडस। ये सब आपको पता है कि रिवर इंडस सबसे बड़ा दरिया है पाकिस्तान का। विच पार्ट कंसिडर्ड द मोस्ट फर्टाइल एंड द एग्रीकल्चर हार्टलैंड ऑफ पाकिस्तान। ये क्वेश्चन आपका नोटबुक पर हुआ हुआ है, आर कंट्री में चेक करना आप, ठीक है। उसमें आपका ये क्वेश्चन मैंशनड है आपका, उसमें जब हमने पढ़ा था कि कंट्री की जो हार्डलैंड है उसमें फर्टिलाइज़र में लैंड फॉर्म्स में हमने पढ़ा था ये, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है, मैं आपको फिर भी मेंशन कर देती हूँ कि कहाँ पर हमने ये पढ़ा था। वैसे हमने और कंट्री में ये पढ़ा था कि हमारे पास जो लैंड फॉर्मिंग्स वगैरह सारी जो चीज़ें हमने पढ़ी थी कि हार्डलैंड और फर्टाइल सोइल जो है वो किस तरह से काम करती हैं। अच्छा, राइट डाउन the names of 4 rivers which flows as one from Panjnad in southern Punjab. Panjnad किस से मिलकर बना हुआ होता है, ये हमने उनको बताना है। ये हमने यहाँ पर देख कर बताना है कि Panjnad क्यों कहा जाता है और कौन से 4 rivers ऐसे हैं जो मिलकर Panjnad बनाते हैं। जेलम, चिनाब, रावी एंड सतलुज। सतलुज जो हमारे पास होता है, ये चारों rivers मिलकर बनाते हैं हमारा Panjnad। अच्छा, मैं जो आपसे ये बात कर रही हूँ, ये जो आपकी नोटबुक पर है, ये आपका पेज नंबर 15 पे होगा, ठीक है। आपका आर कंट्री के लेसन में, आर कंट्री के लेसन है, उसके क्वेश्चन में है ये आपके पास, वहाँ से आप देख लीजिएगा। वो रिवर्स वाला भी इसी में है और जो एग्रीकल्चर हार्टलैंड है वो भी इसी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो आपने ये सारा कुछ अपनी नोटबुक्स पर ही करना है। थैंक यू सो मच।